शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। तो आपका कहना है कि अगर हम उन्हें 1% डिस्काउंट दें तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी हुकुम। ठीक है, गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रायन। हमारे बीच जो डील हुई थी उस बारे में बात करनी थी आप। हाँ, लेकिन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तो फाइनलाइज हो गए थे ना? आई अंडरस्टैंड मिस्टर ब्रायन, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ डेडलाइन से 2 दिन पहले मैं आपका ऑर्डर पूरा करके दूंगा और साथ में आपको 1% डिस्काउंट भी दूंगा। वो एक्चुअली एक बहुत जरूरी काम था, उसमें मैं उलझ गया, इसलिए आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया। बट आई अश्योर यू, आज से मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। नो नो, प्लीज प्लीज डोंट कैंसिल द ऑर्डर, प्लीज। देखिए ठीक है, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके या मेरे लिए कोई और काम है हुकुम? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। ये बात है छोटे, बड़ा परेशान लग रहा है, कब से अट्ठे खड़ा हूं, थारे को दिखाई भी ना दे रहा है, क्या हुआ? भाई साहब, वो लंदन वाली हमारी जो डील थी वहां से चली गई। क्या? सब मेरी गलती है, मुझे इस तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तयसा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें? छोटे, परेशान होने की जरूरत को नहीं, कॉफी पी शांति से, बीमारी पर छोड़ दे। पर एक डील के ना होने से किसी की जिंदगी ना उजड़ जावे, और हाँ, पापा सबको बताने की कोई जरूरत ना है। हमारे को थोड़ा समय दे, मैं बात करता हूँ मिस्टर ब्रायन से। कोई फायदा नहीं है भाई साहब, मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे फिर भी मरने एक बार कोशिश तो करने दे, और ये बात बन गई ना तो पापा सबको बताने की जरूरत ना, ये डील थारे को कैसे मिली हो। उन्हें यही समझने दे, ये ऑर्डर अन्य थारी मेहनत और थारी सूझबूझ से मिली है। थैंक्स भाई साहब। लेकिन अब ये थारी चिंता ना है, हमारी जिम्मेदारी है। मुँह ठीक कर ले अपना, और जो हुआ ना उसके लिए अपने आप को परेशान करना बंद कर। सच पूछो तो ना, ये थारा दोष ना है, ये दोष उस मनुष्य रुक्मी का है जिसकी वजह से तू अपने आप को हमेशा परेशान करे। उसके बारे में सोच के अपना जी छोटा करे, ना उसके कारण अपना जी छोटा करता, ना ये डील थारे हाथ से जाती। साहब ने खाना खाया? ना मैम साहब। मुझे लगा ही था तुम ऑफिस जाते ही उन्हें खाना खिला देना, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे। इतना घना नुकसान होने के बाद खाने पीने की सुध किसे रहेगी मैम साहब? बड़ा नुकसान? कुछ ना मैम साहब, मैं चलूंगा। नहीं नहीं, क्या कह रहे थे तुम, किसका बड़ा नुकसान हुआ है? वो कुछ ना मैम साहब, वो जो बोलो किसका नुकसान हुआ है? अभी अभी जो 3 लाख का जो बड़ा ऑर्डर मिला था वो। हाँ, क्या हुआ उसका? वो बनाया हुआ सारा माल जल गया। इसी वास्ते साहब बहुत परेशान है, माल के डिलीवरी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अगर नया माल ना बनाया गया और ऑर्डर पूरा ना हो पाया तो ऑफिस में ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। मैम साहब, आप साहब को कुछ मत बताना, उन्होंने मुझे आप रो बताने के लिए मनो कियो थो, लेकिन पता नहीं। तुम फिक्र मत करो, जा। जी मैम साहब। जे के कर रही है बिंदी, घर में इतने नौकरों के होते हुए
थारे को ये काम करने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मासा। भगवान जाने के हुआ होगा ऑफिस में, ठाकुर साहब को फोन करके भी ना पूछ सकूं। हारे से नाराज हो जावेंगे तो तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। माता रानी महाराज थारे पर कृपा बनाए रख। हाथ से गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तूने वापस पाकर ये साबित कर दिया कि मारी राय थारे बारे में गलत ना थी। वैसे मैनेजर ने मारे को फोन कर दिया था पर मैंने ये बात सबसे छुपाए रखी क्योंकि मैं चाहता था कि जिस तरह मैंने थारे को सबके सामने डांटियो उसी तरह सबके सामने तारी तारीफ भी करूं। ताई से लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी और की वजह से मिला है और वो छोटे थारे का ऑर्डर मिल गया बहुत है। कैसे मिला और किसके वजह से मिला ये जरूरी ना है। नहीं भाई साहब, ताई साहब को तो मैं सच बता कर रहा हूँ। छोटे तू भी ना जानते ताई साहब, मिस्टर ब्रायन तो मुझसे बात भी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। डेस्परेशन में मैंने उन्हें 1% डिस्काउंट का ऑफर भी किया लेकिन उस आदमी ने ना सिर्फ हमें वो ऑर्डर वापस दिलवाया बल्कि ओरिजिनल प्राइस में। और वो और कोई नहीं बल्कि दीप भाई साहब हैं। छोटे तू बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। मैंने तो सिर्फ एक फोन कॉल किया था। अब आप मॉडेस्ट हो रहे हैं भाई साहब। दीप भाई साहब ने मिस्टर ब्रायन से बात की और उन्होंने हाँ कर दी, इसलिए आपकी तारीफ के हकदार सिर्फ और सिर्फ दीप भाई साहब हैं। अठिया वापस घनी तारीफ पीकर भगवान थारे को कामयाबी थे। जा दादी साहब का आशीर्वाद ले। खुश रहे बेटा, अब हमारी हवेली की नींव पक्की होने लगी है भंवर। अब मैंने किसी बात की चिंता को नहीं। आज हमारे एक बेटे ने कर्तव्यगारी दिखाई और दूसरे ने ईमानदारी। ये दोनों गुण जीवन में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब तुम दोनों जाओ, मुंह हाथ धो के आ जाओ। बिंदी खाना लगाओ। जी दादी साहब। के तोहफा देने का सोचा है थारे प्यारे ठाकुर साहब ने उनके जन्मदिन पर। अच्छा राज है, कोई बात नहीं। ठीक है तोहफा चाहे जे दे पर याद रखना ये जन्मदिन ठाकुर साहब वास्ते यादगार होनी चाहिए जैसे मैंने तल ने बताया था वरना समझ गए ना।
ये लो। मुझे सब पता चल गया है मोहित, ये पैसे ले लो और अपना ऑर्डर पूरा कर दो। इतने पैसे आए कहां से? उसकी चिंता तुम मत करो। नहीं मुमा, मैं जानना चाहता हूं। मैंने अपने कुछ गहने बेच दिए। नहीं मुमा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मोहित, क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? जब से शादी हुई है परेशानी के सिवा मैंने तुम्हें दिया क्या है? और अब तुमने मेरी वजह से अपने गहने बेच दिए। तो क्या हुआ, एक बार तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, ऑर्डर पूरा होते ही मैं तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। अगर वादा करना ही है तो एक ही वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और अपनी हर परेशानी मेरे साथ शेयर करोगे। और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के होते हुए मुझे उन गहनों की क्या जरूरत, मेरा गहना तो तुम हो। जन्मदिन मुबारक हो ठाकुर साहब। थैंक यू। वैसे ये कौन सा तरीका है जन्मदिन विश करने का? अब भारी को आपका अंग्रेजी वाला जन्मदिन का गाना तो ना आवे, तो बस इस वास्ते मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद दे दूं। तुम्हें नहीं आता ना? कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूँ। रुको। कौन सा तरीका? दरवाजो खुलो है, कोई कोई आ जावे को। अरे सुबह सुबह कौन आएगा, कुछ भी। रणबीर उठियो के ना। मैं थोड़ी देर में आऊं। नहीं नहीं मां साहब आइए ना। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक्स मासा। थारे कुमारी उम्र भी लग जावे, वापस आके याद आ रही है थारे जन्म के बाद। ये थारो पहलो जन्मदिन है जब थारे पापा साथ थारे को आशीर्वाद देने अठे ना है। पर वो जहां कहीं भी है थारे को देख रहे हैं और थारे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा ये बता, तो आज तुमने अपना जन्मदिन मनाने को कैसे सोचियो है? सोचना क्या है मां साहब, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाएंगे और क्या। वो तो रोज ही करे हैं, आज थारा ये खास दिन है, थारे वास्ते भी और मारी बिंदड़ी वास्ते भी। वैसे भी थारे ब्याह के बाद ये थारो पहलो जन्मदिन है। बिंदनी ने बाहर ले जा खाना खिलाने वास्ते। इस तरह तुम दोनों कुछ समय साथ साथ बिताओगे। वैसे भी बेचारी थारे काम की वजह से कट्ठे बाहर ना जा सके है। जी मां साहब, जैसी आपकी और हमारी बिंदनी की इच्छा। हेलो, हैप्पी बर्थडे भाई साहब। हे मुमल, थैंक्स। जानती हो सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ मैं, मुझे तो लगा था तुम आज भूल ही गई हो। भाई साहब, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगी? इस साल मैं आपको पर्सनली विश नहीं कर सकती, इसके लिए माफी चाहती हूँ।
लेकिन आपको फोन भी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? होल्ड इट, मजाक कर रहा हूँ। जब से तेरी शादी हुई है मजाक करने को मिलता कहाँ तेरे से, हाँ? और बता कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई साहब। जानती है आज बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी, अगर शिमला में नहीं होती तो आज रात हवेली जरूर आती और पूरे परिवार के साथ आपका बर्थडे मनाती। क्या वो मोमन, हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई साहब बताइए, आज रात का क्या स्पेशल प्लान है आपका? अरे कुछ खास नहीं, बस मैं और असल बाहर डिनर पे चले जाएंगे। वाह भाई साहब, भाभी साहब के साथ डिनर पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई खास प्लान नहीं है। जाइए जाइए और मेरे हिस्से का भी केक खा लीजिएगा, ठीक है? श्योर श्योर। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन भाई साहब। थैंक यू, अपना ध्यान रखना, चल बाय बाय। अरे लाइट चली गई, संभल के सीढ़ियां देख के चलना। आ जाओ। जन्मदिन की घनी मुबारक। थैंक यू सर। बड़ों का आशीर्वाद जी। थैंक यू मास। खुश रहो, खुश जीवता रहे बेटा, जीवता रहे। जीवता रहे बेटा, लंबी उम्र हो। लेकिन ये सारा सरप्राइज थारी बिंदड़ी के करतूत है और उसने हम सबको भी शामिल कर लिया इसमें। इसने तो मारे से भी सुबह एक्टिंग करवा दी। ज्यादा कुछ ना है ठाकुर साहब, बस अपने परिवार के साथ थोड़ी सी खुशी बांटने को मौका मिले हो तो मैंने सोचो कि पर इस खुशी के मौके पर महारी को तो मूमल बिटिया की कमी खल रही है। फोन आया था मूमल का, कह रही थी कि मेरे हिस्से का केक भी आप ही खा लेना। अरे भाई रणवीर अब केक भी काट दे, नहीं तो केक पिघल जाएगा। हाँ बेटा, हम इस शुभ घड़ी का सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आओ चल। हैप्पी बर्थडे मिस्टर रणवीर। अभी तो तूने कहा था कि रणवीर का जन्मदिन हम सारे परिवार वाले मिलके मनाने वाले, पर हमारे को ये ना मालूम था कि एक नौकरानी का आशिक भी इस परिवार का हिस्सा कहलावे। रुक्मणी, डॉक्टर साहब को अठियाने का न्योता तन्ने दिया था।